हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, छवि का नमस्कार आदाब सत श्री अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये काला कबूतर देख रहे हैं आप। तो अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, जैसे ही मैं आया कबूतर बाहर निकालने के लिए, धूप में होते हैं, तो मैंने देखा भाई यहाँ पे कबूतर आके बैठा हुआ है ये काला। और ये तब से इसे फिर मैं फटाफट इसे मैंने मॉर्निंग में पकड़ा, क्योंकि मेरे को जाना था जॉब पे, जिस चक्कर में क्या मैंने फटाफट कबूतर बाहर खुले ही थे एक दो, तो मैंने बाहर निकाला, फिर फटाफट से जल्दी से पकड़ा, उसके बाद इसे छोड़ दिया। तो ये अभी तक इस लॉफ्ट में था, तो अभी मैंने पर बांधे और इसको बाहर निकाल दिया। तो मैंने भी इस टाइम चेक नहीं करा, बस ऐसी लॉफ्ट के अंदर करके छोड़ के चला गया इस वाले के अंदर, और बाकी सारे वो कबूतर खुले हुए थे। तो अब मैं आया छत पे, मैंने कहा शौक करा दिया जाए आप लोगों को भी, और हम भी शौक कर ले इसका। तो सारे ये पट्ठा भी निकाल दिया आज हमने, ये और दो पकड़े थे। तो इस मंथ के अंदर हमने क्या, लास्ट मंथ के अंदर हमने 4-5 कबूतर पकड़ लिए। और भाई लिटरली कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भाई इस बार हमने कबूतर लॉस्ट हुए हमारे, और बहुत ज़्यादा मरे, और भागे तो खैर नहीं है, बट मरे बहुत ज़्यादा यार, इस चीज़ का अफसोस हुआ है। और ये आसपास के कबूतर नहीं, देखो गाइस यार, कबूतरबाजी में एक चीज़ ज़रूर होती है, मैं हमेशा कहना चाहूँ भाई आना और जाना लगा रहता है, क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूँ कि आना जाना लगा रहता है, और मेरी भाई आसपास वाले से होती है पकड़। क्योंकि भाई एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी, आप लोगों ने नोटिस करी, कि आसपास वाले कबूतर पकड़ के इधर से उधर कर देते हैं और देते नहीं है भाई, और बाद में पता चलती है ना वो चीज़, तो बहुत हर्ट करती है। तो भाई फिर वो जो सुलह होती है ना, फिर उस सुलह में मज़ा नहीं आता। तो हमारे सैदी भाई है, ठीक है, पीछे एक छत है, ये बच्चे हैं, मतलब पूरी जितनी भी हमारी कॉलोनी के अंदर ना, सबसे भाई मेरी पकड़ है। बस एक बंदा है अरबाज, वो भाई अरबाज भाई ने कबूतर हटा रखे हैं, शौक ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, मुर्गे का शौक रख कर रखा है। तो किसी दिन मुर्गे भी दिखाएंगे आप लोगों को असल के, बढ़िया बढ़िया। तो भाई मेरे कबूतर अभी बीच में कुछ इन बच्चों ने पकड़ लिए थे, और मुझे पता चला, तो मैं पहले दे देता था आसपास के। और अभी कुछ रिसेंटली पहले एक सीन और हुआ था कि मैंने अभी जैसे कबूतर भेजे थे अपने गोले, तो मैंने उसके कई बार अभी जैसे पिल की वापसी करी थी और 2-4 बार कबूतर, तो वो बंदा छत से आके ना वो कबूतर ले गया, और वो बंदा मिल नहीं रहा है मुझे। और जिस दिन मिलेगा तो मैं उसे बताऊँगा अच्छी तरीके से कि भाई अगर प्यार से कोई चीज़ दे दो ना, उसके बाद भी ज़बरदस्ती ज़ोर करता है ना, वो उस टाइम मैं घर पर था नहीं, और वो आके बंदा उठा ले गया। कोई नहीं, छोड़ो खैर, बट काला कबूतर देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पट्ठा छोटा सा है, तो अब थोड़े अच्छे लग रहे छत पे कबूतर। आओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पहले काला, ये देखो भाई, ये देखो, अट 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 कहीं गिर ना जाए, रुको। तो आ गया हाथ में फाइनली, तो भाई ये आ गया हाथ में। तो इसे मैंने पिन लगाई है इसके, और पट्ठे को भी खुले छोड़ रखा था मैंने, क्योंकि ये पट्ठा ही शादी का ही है, और ये पता नहीं किसका ये काला। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में दिख गया मुझे, मैंने कहा चलो बढ़िया, दिन की शुरुआत हो गई। ये देखो भाई जी, 8। तो वैसे भी हम पे काले कबूतर कम है, एक यही काला है जो ये भक्के आया हमारा, हमने सेल करा था। और ये भी नहीं कि भाई काफ़ी लोग सोचते होंगे, हमने बेचे थे भाई जाल पे। अब जाल पे से क्या होता है कि आपको भी नहीं पता होता और मुझे भी नहीं पता होता कि कबूतर कहाँ जाने वाला है, तो जिस चक्कर में कबूतर भाग के आता है तो पता नहीं चल पाता कहाँ गया। और वैसे अगर सामने अगर हम बाय फेस बेचते हैं ना किसी को, तो पता चल जाता है, बट ये जंगली परेशान कर रहा है, तो जिस चक्कर में आते हैं तो पता नहीं चल पाता। और भाई जाल वालों को देने का मतलब है कि वो दोबारा रीसेल कर देते हैं, और इससे कोई अपना प्रॉफिट नहीं हो पाता और कोई अच्छा मैसेज नहीं पहुंच पाता, जिस चक्कर में क्या है हम देते ही नहीं है। फिर अगर बाई चांस पता चला तो रिटर्न कर दिया, नहीं तो हम देते ही नहीं। और दिल खुश कर दिया इन लोगों ने कि जिन पे भी उम्मीद नहीं थी ना भाई, वो कबूतर मेरे वापसी आए, और ख़ास करके लाल भाई जो हमारा शौक था उसकी वजह से। वो देखो, आओ आओ आओ, ये परेशान कर रहा उसे। तो यही था आज का शौक, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया, सारे कबूतर भी बाहर निकाल दिए।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मैसेज समझ में आया हो तो भाई आप अपने लोगों तक शेयर करें, ठीक है भाई। और जो आपके साथ ऐसी नीच हरकत करता है तो उसके कबूतर बिल्कुल ना दें, मैं तो यही कहूँगा भाई, क्योंकि दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना प्यार बनाना चाहेंगे मगर वो अपना नीचपना दिखाना चाहेंगे, तो कबूतर उनके वापसी दीजिए जो आपके दीजिए देता जाए, ठीक है भाई। मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़। प्यार से शौक करें, अच्छे से शौक करें।